माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का अंत इस तरह से होगा, ऐसा किसने सोचा था? एक बार सांसद, पांच बार विधायक रहा माफिया अतीक। खौफ की कहानी जिस तरह से लिखता रहा उससे पूरा प्रदेश हमेशा खौफ में रहा। 44 साल पहले शुरू हुए इसके आतंक का पहला गवाह भले ही चांद बाबा रहा हो, लेकिन 1979 में जब से अतीक ने जुराइम की दुनिया में कदम रखा तब से अब तक उसके ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। लेकिन मजाल किसी में इतनी हिम्मत रही हो जो अतीक को दोषी ठहरा पाए। पहली बार उमेश पाल हत्याकांड में उसे दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा हुई, वो भी साल 2023 में आकर। एक वक्त था जब अतीक के केस से जज भी थर्राते थे। अतीक पर सुनवाई से 10 जजों ने खुद को अलग कर लिया था, जिससे समझा जा सकता है कि इस माफिया का खौफ कैसा था। दरअसल अतीक और उसके गुर्गों ने अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसकी चर्चा कर आज भी लोग कांप उठते हैं। अतीक ने अपने खौफ का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया कि प्रयागराज और आसपास के इलाकों में हर उठने वाली आवाज को दबाकर उसने अपनी समानांतर सरकारें चलाई और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक को हमेशा चैलेंज करके रखा। उसका खौफ ऐसा था कि कोई उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कराता, कहीं किसी पीड़ित परिवार ने गलती से केस दर्ज करा दिया तो उसको अपना सब कुछ गंवाना पड़ता था, और मामला कोर्ट में पहुंचता तो गवाहों को धमका कर या फिर अपहरण करके शांत करा दिया जाता। एक ऐसा ही मामला अतीक के साथ तब जुड़ा जब उसने 18 साल पहले नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को उनके ही सरकारी बंगले में बंधक बनाकर रखा। उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया था, लेकिन अतीक की तत्कालीन सरकारों तक पहुंच और राजनेताओं से संबंध ने उस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया था। 2005 का था ये मामला। सूबे में सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। इसी साल राजूपाल हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया था, मतलब सपा की सरकार में अतीक का आतंक चरम पर था। बताया जाता है कि उस वक्त नोएडा प्राधिकरण में तैनात सीईओ और माफिया अतीक के बीच एक माफिया के रिश्तेदार को नोएडा में जमीन दिलाने को लेकर फोन पर कहा सुनी हुई थी। अतीक ने धमकी दी लेकिन सीईओ ने उसे अनसुना कर दिया। बस फिर क्या था, माफिया अतीक अपने गुर्गों के साथ नोएडा के सेक्टर 14A प्राधिकरण के सीईओ के सरकारी आवास पर पहुंचकर थावा बोल दिया। जहां सीईओ के अलावा कई अधिकारी पहले से मौजूद थे, वहां अतीक ने सीईओ को खूब धमकाया और जान तक से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन सत्ता तक पहुंच के चलते अतीक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बाकी मुलायम जिंदाबाद तो उस वक्त थे ही। अतीक के आतंक के ऐसे ही हजारों कुकर्म हैं जो उसे हैवान बनाते थे, जिन्होंने अतीक के आतंक को तत्कालीन इलाहाबाद, आसपास के जिले कौशाम्बी, चित्रकूट, वाराणसी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ में नहीं देखा, उनके उसके कुकर्मों की लिस्ट देखनी चाहिए। पता चलेगा कितनों की जमीन, कितनों का सुहाग, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया उसने छीना है, कितनों का जीना दुश्वार किया। बाकी जिस तरह से उसका खात्मा हुआ वो जरूर योगी सरकार के कानून की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन